रियासत तेलंगाना में 30 नवंबर को असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। पूरी रियासत में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच चुकी है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक भी नाफिज है। रियासत की दारुकूमत हैदराबाद में इंतखाबात के पेश नज़र सिटी पुलिस की जानिब से कारोबारी इदारों को रात 11 बजे बंद करवाया जा रहा है। आमतौर पर रात 12 बजे तक दुकानें और कारोबारी इदारों को खुली रहने की इजाज़त है, लेकिन इन दिनों हालात को देखते हुए पुलिस की जानिब से रात 11 बजे से कबल ही कारोबारी इदारों को बंद करवा दिया जा रहा है। हद तो ये हो गई है कि रात 12 बजे के बाद तो सड़कों पर कोई नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि रात का कर्फ्यू नाफिज हो गया है। आमतौर पर रात भर शहर में लोग नज़र आते थे, लेकिन पुलिस की सख्ती ने अवाम को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। पेश है इस खसूस में रात 11 बजे के बाद शहर हैदराबाद के पुराने शहर के कुछ झलकियाँ। ब्यूरो रिपोर्ट siyasat.com। बाजार जल्दी बंद होगा, क्या बात है? इलेक्शन। अच्छा, इलेक्शन की तरफ से क्या टाइम पे बंद हो रहा? 11 बजे। बाजार जल्दी बंद हो गया, क्या बात है? इलेक्शन आया बल्कि क्या टाइम पे बंद कर रहे डेली? 10:30-11 बजे। पूरा बाजार बंद हो जा रहा है? 11 बजे तक बंद हो जा रहा है। अच्छा, पुलिस बंद करा रही है अपनी तरफ से? पुलिस वाले पुलिस बंद कर रही है।